ब्रेकर कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। सारी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, उसी वक्त हम कुछ देशभक्त लोग यहाँ पर आज पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने 40 जवानों की बरसी पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि यदि प्रेम का दिवस देश प्रेम के रूप में मनाया जाए तो इसका कितना अच्छा संदेश पूरे समाज में जाएगा। और जिन घरों के चिराग हमारे घरों में हमारे जीवन में रोशनी करने के लिए बुझ गए हैं, उन घरों में बैठे हुए उनके बूढ़े माता पिताओं को भी यह संदेश जाना चाहिए कि भले ही उनके जवानों की शहादत हो गई, उनके बेटों की शहादत हो गई है, लेकिन यह देश उनके बेटों की शहादत को ना कभी भूला है और ना ही भूलेगा। तो उनकी शहादत के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि पूरे देश को देश प्रेम का ये संदेश दे सकें आज प्रेम दिवस के अवसर पर। देश का तिरंगा जो है लहराता है वो हमारे जवानों की सांसों से लहराता है और हम बहुत इस बात के लिए मन आज सुबह से बहुत दुखी था कि आज के दिन कितना दुखद दुर्घटना हुई थी, लेकिन जब हमने फेसबुक व्हाट्सअप खोला तो जो देशभक्त थे उन्होंने देशभक्त के कारण शहीदों की दिन मनाया, लेकिन जो लोग आज का दिन नहीं याद रखते थे उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे क्या है? एक अंग्रेजों का एक तरह का त्यौहार है, वो हमारा हिंदुस्तानियों का त्यौहार नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो सीमा पार हमारे जवान रहते हैं उनके लिए हम कुछ पल अपने आज के दिन देने चाहिए, उनके लिए एक सलूट है जो हमारे देश के जवान हैं। जय